राफेल डील एहा कुने बेस किछि मास हला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओ केंद्र सरकार को घन घन आक्रमण करूथिले कांग्रेस अध्यक्ष ओ विरोधी दल किंतु बड़ा मामला रे एबे मोदी ओ केंद्र को मिलछि बड़ा आश्वस्ति डील रे कोनोसी अनियमितता होइ नाही तेनु तदंत आवश्यक होइ नाही एभली गुरुत्वपूर्ण राय देछंती सुप्रीम कोर्ट एथर एहा सहित राफेल मामला रे केंद्र सरकार को देछंती क्लीन चिट खारज होछि मामलार तदंत पई दायर होइतबा समस्त पिटीशन क्लीन चिट परे बीजेपी कहिछि मिछ राजनीतिर पर्दाफाश होछि देशवासी को विभ्रांत करथिबारु क्षमा मागंतु कांग्रेस सभापति राहुल गांधी राहुल कहिछंती जेपीसी तदंतर आवश्यकता रहिछि आउ एही दाबी जारी रहिबो राफेल मामला रे केंद्र को राहत समस्त पिटीशन खारज कले सुप्रीम कोर्ट कौनसी अनियमितता होइनी किणा प्रक्रिया उपरे संदेह ठीक नुहे राफेल मामला रे केंद्र को सुप्रीम कोर्ट न क्लीन चिट कोर्ट कहिसंती राफेल डील को नै निया जाईथिबा निष्पत्ति उपरे कौनसी संदेह ठीक नुहे देश पई राफेल विमान रो आवश्यकता रहछि राफेल लढुआ विमान रो दाम नै निष्पत्ति नेबा सुप्रीम कोर्ट को काम नुहे बोली स्पष्ट कहिसंती कोर्ट एथिसह ए संपर्कित समस्त चारिटी आवेदन को खारज कर देछंती कोर्ट आहुरी मध्य कहिसंती 2016 सेप्टेम्बर रे जेतेबेले डील चुडांत होला सेतेबेले केही भी प्रश्न उठाइ नथिले तेणु एबे जांच रो आवश्यकता नाही बोली सुप्रीम कोर्ट को तीन जणिया खंडपीठ स्पष्ट करिसंती सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एकदम सही था कोई त्रुटि नहीं थी प्राइसिंग के एस्पेक्ट पे भी उन्होंने कहा है कि इसमें कोई गलती कुछ भी दिक्कत नहीं थी जो ऑफसेट प्रोक्योरमेंट वाला प्रोसेस ऑफसेट पॉलिसी वाला प्रोसेस है उसको भी उन्होंने कहा कि इसमें भी कोई किसी तरह की त्रुटि नहीं थी जितने भी प्रश्न इस इन पेटिशनर्स द्वारा और ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा रेज किए जा रहे थे सभी को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है कि पहले एयरफोर्स बोलेगी कि भाई हमको कितने हवाई जहाज चाहिए फिर मामला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है वो तय करते हैं कि कितने हवाई जहाज चाहिए कैसे चाहिए किस तरह के चाहिए उससे पहले ही मोदी जी ने खुद फ्रांस जाकर 36 हवाई जहाज का सौदा कर लिया सुप्रीम कोर्ट का राय परे आश्वस्त होती केंद्र सरकार कोर्ट का राय को स्वागत करने सह विरोधी उपरे जोरदार बर्षि बीजेपी दलर अध्यक्ष अमित शाह कहते सत्यर विजय हो राहुल गांधी मिछ कही देशवासी को जो विभ्रांत करते सेथिपाई क्षमा मागंतु सुप्रीम कोर्ट का राय परे सरगरम होइथिला लोकसभा राहुल गांधी देशवासी को क्षमा मागंतु बोली गृह रे दाबी करथिले केंद्र गृहमंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी आक्रमण रो कड़ा जवाब देछि कांग्रेस दल कहिछि राफेल डील रो जांच जुग्म संसदीय कमिटी जेपीसी द्वारा हेबा उचित जेपीसी गठन नै कांग्रेस रो दाबी यथार्थ बोली स्पष्ट करछि दल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और विजय हमेशा सत्य की होती है उनके पास जितने सारे तथ्य थे लेकर एज अ पिटिशनर पहुंचना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना है कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को मदद करनी चाहिए थी वो क्यों भाग रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि असत्य का जीवन जो होता है वो बहुत सीमित होता है वो असत्य का जो निर्माण करता है उसी की विश्वसनीयता को खराब करता है राफेल डील से राष्ट्र की सुरक्षा के भी और राष्ट्र के आर्थिक हितों की भी रक्षा की गई है हमने जेपीसी मांगी कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है करा दीजिए आइए सामने करा दीजिए ना अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना नहीं करेंगे राफेल डील ने मोदी सरकार को टार्गेट करी आसुथिले विरोधी पांचटी राज्य रे होइतिबा विधानसभा निर्वाचन रे प्राय सबु राली रे केंद्र को समालोचना करथिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया मध्यप्रदेश परे राजस्थान रूपी हटेला सस्पेंस तीन दिन लगातार विचार विमर्श परे कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को उपरे आस्था प्रकट कले कांग्रेस हाईकमांड राजस्थान परवर्ती मुख्यमंत्री हेबे अशोक गहलोत तांकु सहायता करिवे युव नेता सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री पद सहित सचिन पायलट राजस्थान पीसीसी सभापति भाबे भी काम करिवे बोली सूचना मिलछि आसंता 17 तारीख रे राजस्थान रे नुआ सरकार शपथ नेबे
ए बाजाओ बाण ए नाच ए उत्सव राजस्थान जयपुर रे दुई दिन परे पुणी आसिला अदिनिया होली पुणी पालन हैला दीपावली खुशी रे मशगुल हेले कांग्रेस कर्मी आउ अशोक गहलोतंक समर्थक हेबे नाहिबा केमिति राज्य रे निर्वाचन रे तो बाजी मारिथिला कांग्रेस दुई दिन रो टणाउटरा परे सेमानंक नेतांक नाहि घोषणा हैला मुख्यमंत्री भावे मध्यप्रदेश परी राजस्थान रे भी जारी रहिथिला मुख्यमंत्री पद पई दौड़ादौड़ी चर्चा आउ अनेक कल्पना जल्पना शेषे हटिला सस्पेन्स यंग माइंड उपरे भारी पड़िला अनुभूति आउ तीन दिन लगातार विचार विमर्श पर वरिष्ठ नेता अशोक गहलोतों उपरे आस्था प्रकट कले कांग्रेस हाईकमांड बहुत उत्साह कार्यकर्ता में उत्साह है आम जनता में बहुत उत्साह है हम सबके आभारी है कि उन्होंने इस चुनाव के अंदर एक अवसर दिया कांग्रेस को पुनः और हमारा प्रयास रहेगा कैसे हम लोग सुशासन दे सके वहाँ पर राजस्थान रो परवर्ती मुख्यमंत्री हेबे अशोक गहलोत आसंता 17 तारीख रे राजस्थान रे शपथ नेबो नुआ सरकार मुख्यमंत्री गहलोत को सहायता करिबे युवनेता सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री पद सह सचिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो सभापति दायित्व रे भी रहिबे राजस्थान में प्रगति शांति भाईचारा नौजवानों के लिए अवसर किसानों को आर्थिक संकट से मुक्ति इन तमाम मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बेहतर बहुमत लेकर कांग्रेस और यूपीए केंद्र में सरकार बनाएगी नई दिल्ली में कांग्रेस सभापति राहुल गांधी को सह व्यापक आलोचना परे नया मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को नाम घोषणा कले राजस्थान पर नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक वेणुगोपाल 13 तारीख में कांग्रेस विधायकों सह होइतिबा आलोचनार फीडबैक परे उभय गहलोत और पायलट को दिल्ली डकाई आलोचना करथिले राहुल गांधी राहुल को एही निष्पत्ति को स्वागत करिछंति उभय नेता ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया सेबड़े छत्तीसगढ़ रे किए हेबे मुख्यमंत्री ताकू नै एबे भी सस्पेंस जारी रहिछे आज दिल्ली रे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुख्यमंत्री पद पई आशायी थिबा चारि नेतांक सहित बैठक करी आलोचना करछन्ते हेले किए मुख्यमंत्री हेबे से नै ना घोषणा करा जाय नै खूब शीघ्र मुख्यमंत्री ना घोषणा हेबो आसंता काली रायपुर रे कांग्रेस विधायक दल बैठक बसिबो बोली मल्लिकार्जुन खड़गे कहिछन्ते तबे आसंता 17 तारीख रे मुख्यमंत्री शपथ नेबे बोली दल पक्षरु कहा जायछि चारि आशायीक सह राहुलक आलोचना रहिछि मध्यप्रदेशरु गला कमलर शासन एबे सेठारे कमलनाथ करिबे शासन बहु तर्क वितर्क चर्चा आलोचना एवं दिल्लीरु भोपाल जाए दौड़ी दौड़ी कल्पना जल्पना भितरे कमलनाथंको मध्यप्रदेशर नुआ मुख्यमंत्री घोषणा करागला मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल बैठक परे गुरुवार विलंबित रातिर हेला एही घोषणा दुई दिन भितरे कमलनाथ मुख्यमंत्री भाबरे शपथ नेबे बोली सूचना मिलिछि গত 11 তারিখে মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন পাই হেলা ভোট গণতি আউ সেই দিন হি আসিলা ফল যেথিরে কংগ্রেস সবুঠারু বড় দল ভাবে সামনাকু আসিলা কিন্তু তাপরে দীর্ঘ টণাওটড়া বৈঠক চর্চা ও কল্পনা জল্পনা পরে শেষে গুরুবার বিলম্বিত রাতে কমলনাথঙ্ক নাঁকু মধ্যপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী ভাবে ঘোষণা করা গলা দিল্লিরু ভোপাল পৌঁছিথিবা কমলনাথঙ্কু তাঙ্ক সমর্থক মানে বিমান বন্দরে সভ্য স্বাগত সম্বর্ধনা দেলে বিমান বন্দরু কমলনাথ সিধাসলখ পিসিসি অফিসে পৌঁছিলে যেউঠি রুণ্ড হয়েছিল দলীয় কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম প্রতিনিধি পিসিসি কার্যালয়ে কংগ্রেস নেতা ও পর্যবেক্ষক একে আন্টনি জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সমেত শহ শহ কর্মকর্তা উপস্থিতি কমলনাথ গণমাধ্যম সম্বোধন কলে কহিলেন কংগ্রেস বচনপত্র বা ইস্তাহারে করা যাইথিবা ঘোষণা সম্পূর্ণভাবে লাগু করা যাব कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस सरकार बनने एक नया इतिहास की शुरुआत की मैं मेरा पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा और इस नए शुरुआत में मैं मध्य प्रदेश के हर मतदाता को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो हमारा वचन पत्र था हम নিজ কথা কহু কহু কমলনাথ কিছু মাত্রায় ভাবুক বি হয়ে গলে আজ পুরোনা সাথী মানুষ বি মনে পকাইলে খাস করে মাধবরাও সিন্ধিয়া উল্লেখ কলে আহলে তাঁর বন্ধুক পুয় যে সহযোগ দে সেপা ধন্যবাদ তাঁর ইশারা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আড়কু লা ছড়া কমলনাথ দলর কর্মী ও প্রদেশর জনতা কৃতজ্ঞতা জনাইলে
हर कांग्रेस परिवार के सदस्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी बात हर घर में हर गांव में हर झोपड़ी तक पहुंचाए और सच्चाई सच्चाई का साथ मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने दिया है। कमल सरकार गला आउ एबे आसिला कमलनाथ सरकार। कमलनाथ सामने राज्यर अनेक चैलेंज सह आगामी लोकसभा निर्वाचन में दलर प्रदर्शन भल कर दायित्व भी अच्छी। लोकों आशा अनुसार कमलनाथ केते प्रदर्शन करुछंती देखा राज्यर नुआ मुखिया को समय देवाक। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। परवर्ती खबर को आसीबा प्रसाद पलटिला विष कर्णाटक चमराजनगर मरम्मा मंदिर में भोग खाई 10 जनकर मृत्यु होता बेले 80 रु अधिक असुस्थ होती समस्त असुस्थ को स्थानीय मेडिकल रे भर्ती करा। घटना को नहीं मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी दुख प्रकाश करने सहित समस्त आशु आरोग्य कामना कर चिकित्सा जेभली कौन प्रकार अवहेला न हुए से निर्देश देते। किचालवाड़ी गां निकटे मंदिर निर्माण पर शुभ उद्घाटन दिया बेले प्रसाद सेवन व्यवस्था होता अन्न प्रसाद खाइबार किसी समय पर लोकों बांति होता हस्पिटाल भर्ती करा। केवल से नुहे प्रसाद खाइबा स्थान में पखापाखि 60 काउ मरी पड़ता देखा मिले। खाद्य विषाक्त केमी तहार तदंत कर। नोटबंदी 2 वर्ष तलर एक घटनाक्रम ए समस्त मनरे सतेज अच्छे राति अधरे बंद होगला 500 और 1000 टंकिया नोट आ पर दिन बैंक आगरे लंबा धाड़ी। नोटबंदी प्रभाव आम देशर लोके तो बाहरी सारे किंतु एबे आम पड़ोसी देश नेपाल भारतीय नोट बंद बंदी आज्ञा विदेश में पड़ी नोटबंदी प्रभाव तेज नेपाल भारतीय मुद्रार बेस प्रचलन बेले एवं किंतु सेठे भारतीय मुद्रा को झटका लगी 100 टंकारु अधिक मूल्य भारतीय नोट को ब्यान कर नेपाल सरकार अर्थात भारतीय 200 500 एवं 2000 टंका आउ नेपाल रे चलिबो नाही। दुई वर्ष पूर्व 2016 नवंबर 8 रे भारत रे ब्यान हेला 500 और 1000 टंकिया नोट अधाराती निया जायतिबा मोदी सरकारंकर एही निष्पत्ति फळरे देशरे खेळीगला हाहाकार बैंक रे लागिला लंबा धाड़ी आउ नोट बदलाइबाकू घंटा घंटा धरी अपेक्षा जनतांकू करिदेला व्यतिव्यस्त। सेही समय रे सारा देश सबु चिंता छाड़ी केवल पड़ीथिला नोट बदलाइबा कामरे। सेही दिनर स्मृति आज भी लोकंक मनरे ताजा अछि केमिति समानंकू टंका पई हिनस्ता हेबाकू पड़ीथिला। जहा हेउ एबे तो से संकट दूर हो सारी किंतु एक नुआ नोट संकट एबे आसी भारतीयों सामना को आउ ताहा हेउची पड़ोसी देश नेपाल रु जहाँ भारतीय लोकों पर निज घर भली जेउठी को जीवापाई ना भिसा दरकार ना पासपोर्ट किंतु एबे सेठारे भारतीय नोट्र नोटबंदी हो जाइछि। आज्ञा हाँ नेपाल रे एबे 100 टंकारु अधिक भारतीय नोट चलिबो नाही अर्थात 200 500 और 2000 टंकिया नोट्र मूल्य नेपाल रे एबे कागज खंड पलटि जाइछि। नेपाल रो सूचना एवं प्रसारण मंत्री गोकुल प्रसाद बस्कोटांक अनुसार नेपाल सरकार 100 टंकारु अधिक भारतीय नोट उपरे कटकणा लगाई देछंती अर्थात 200 500 2000 टंकिया भारतीय नोट चलिबो नाही। केवल 100 टंकिया भारतीय नोट ही नेपाल रे व्यवसाय अन्य जिनिस पई ग्रहण करा जिवो। नेपाल कैबिनेट भारतीय नोट उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू निष्पत्ति नेछि। नेपाल सरकारंकर एही निष्पत्ति निश्चित भावे भारत पई बड़ झटका किंतु भारत रे ब्यान होई सारिथिबा 500 1000 टंका पुरुणा नोट भी एबे नेपाल रे चलुथिला एणु भारतर कोटी कोटी टंका एबे भी नेपाल रे फसी रहिछि। नेपाल रे 200 500 टंका भारतीय नोट रो अधिक व्यवहार हुए तेणु एठारे एही नोट व्यवहार बंद हेबा सह नेपाल रो लोकंकु भी खूब समस्यार सामना करबाकु पड़िबो। एथिसह एहार प्रभाव व्यवसाय उपरे पड़िबा निश्चित। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। सीबीआई रो स्वतंत्र निर्देशक राकेश आस्थाना को आश्वस्ति आस्थाना स्वतंत्र निर्देशक पद में रहा विरोध में दाखल आवेदन को सुप्रीम कोर्ट खारज कर आस्थाना निजुक्ति को युक्तियुक्त बोली दर्शाई। एथस आग को यह मामला उपरे कौनसी प्रकार शुणाणी न करने को सर्वोच्च अदालत स्पष्ट कर कोर्टे दाखल होता आवेदन में आस्थाना निजुक्ति को भूल बोली दर्शाईला। एथस आस्थाना लांच नेबार अभियोग भी रही
ଓପନର ମାର୍କସ ହେରିସ୍ଙ୍କ 70, ଆରୋନ୍ ଫିଞ୍ଚଙ୍କ 50 ଏବଂ ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ 58 ରନ୍ ବଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 277 ରନ୍ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଜିତି ଘରୋଇ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ରେ ଭାରତକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲରମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି 3 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ପେନ୍ 16 ଓ ପେଟ୍ କାମିନ୍ସ 11 ରନ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ହନୁମା ବିହାରୀ 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବୁମ୍ରା ଓ ଉମେଶ ଯାଦବ 1 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ର ଗୁଆଙ୍ଗଝୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା BWF ୱାର୍ଲ୍ଡର ଟୁର୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକଧାରୀ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଓ ସମୀର ବର୍ମା। ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକାର ଝାଙ୍ଗ ୱେଇୱେନ୍ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 21-9, 21-15 ଗେମ୍ରେ ଜିତିନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 35 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେପଟେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ସମୀର ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମୀର 21-9, 21-18 ଗେମ୍ସରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର କାଣ୍ଟାଫୋନ୍ ୱାଙ୍ଗଚରଣଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସାଇନା ନେହୱାଲ ଓ ପି କଶ୍ୟପ ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନସାଥୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ଏ ଦୁହେଁ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାଇନା କଶ୍ୟପଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 16 ସକାଳେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଓ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। 10 ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଆସିଥିବା ସାଇନା ଓ କଶ୍ୟପ ଏହି ବର୍ଷ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ।